वेलकम। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर जो चल रहा था कक्षा 10 का साइंस का द्वितीय। तो हमने जो पढ़ लिया था प्रतिरोध के बारे में पढ़ा पिछले भाग में, प्रतिरोध कहते किसे हैं, इसका क्या कारण था उत्पन्न होने का, और साथ ही हम प्रतिरोध पर निर्भरता के दो कारक लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अध्ययन कर लिया। तो वही चीज़ देखेंगे, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आया हमें R बराबर के अपॉन एल ए, ये आया जहाँ पर ये जो K है जिसे हमने क्या नाम दिया, पदार्थ प्रतिरोधकता, क्या नाम दिए इसको हमने, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध ये नाम हमने दिया था इसको। अब बात ये आर का नियम है, अब ओम का नियम क्या है, ओम का नियम तो ओम का नियम देखना है। ओम का नियम क्या था, वी समानुपाती आई, वी बराबर, अब आर का मान ये यहाँ पर रख दें तो वी बराबर के एल ए इंटू। अब क्या है, जो भौतिक अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं अवस्थाएं जो हमने स्थिर ली थी उसमें से ताप आएगा और दाब आएगा, जो क्या थी, स्थिर अवस्था थी। एक तो ताप आ गया, एक दाब आ गया और दूसरा आ गया पदार्थ। ये पांच कारक थे, अब इनको और दो स्थिति स्थिर थी क्योंकि हमने लंबाई का प्रभाव ज्ञात कर लिया और इसका प्रभाव ज्ञात कर लिया, जो फिर भी हमें ये क्या प्राप्त हुआ, एक कांस्टेंट हुआ, के एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ, जो कांस्टेंट इन पर निर्भर करेगा, के किन पर निर्भर करेगा, ताप दाब और पदार्थ की प्रकृति पर। हम यहाँ दाब पर का प्रभाव अध्ययन नहीं करेंगे, ताप का प्रभाव अध्ययन करेंगे और पदार्थ की प्रकृति का प्रभाव अध्ययन करेंगे। तो अब के का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, हमें पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर, तो के निर्भर करता है तो आर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। आर भी किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा और प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इन निर्भरताओं को देखने से पहले हमें प्रतिरोधकता की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो पिछले भाग में भी हमने पढ़ चुके हैं और इस भाग में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज था, ओम के नियम को प्रतिरोधकता के रूप में लिखना और जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, वो भी पदार्थ की प्रकृति ताप पर निर्भर करती है। जिस प्रकार प्रतिरोध अधिक होगा उसकी पदार्थ की प्रतिरोधकता भी अधिक होगी। तो अब बात आती है हमारी प्रतिरोधकता की डेफिनेशन परिभाषा, प्रतिरोधकता। अब हमने जो फॉर्मूला निकाला था R का, R बराबर के एल ए, अब K का मान ज्ञात करना है तो K बराबर क्या आ गया, R ए एल, उल्टा हो जाएगा ये जस्ट। तो अब K है वो किस पर, प्रतिरोध पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है। मान लीजिए प्रति एरिया को ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर और जो लंबाई है वो भी हमने ले ली 1 मीटर, तो के बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर 1 × 1, यानी के बराबर आर ओम मीटर। सिर्फ मात्रक चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज। तो के बराबर की जो वैल्यू होगी वो आर के बराबर होगी, कब, जब एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो और जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया भी और पदार्थ की लंबाई भी। तो इससे क्या डेफिनेशन होगी, परिभाषा क्या होगी, अगर किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता होगी। या कह सकते हैं इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार क्या लिख सकते हैं,
यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई 1 मीटर है हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वेयर हो तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध ही उसकी क्या कहलाती है प्रतिरोधकता कहलाती है। ये फॉर्मूला लिखिए, ये लिख दिया तो उससे क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। और इस डेफिनेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर के अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता या विष प्रतिरोध होगा। ये चीज़ हमने देख ली। अब और जो दूसरी चीज़ देखनी, इसकी यूनिट है, मात्रक है, जो पीछे भाग में भी हमने देखा। मात्रक क्या होगा, के बराबर आर ए एल। आर का मात्रक ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वेयर हो गया और लंबाई का मीटर, मीटर स्क्वेयर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर। किसका मात्रक, के का मात्रक आ गया, ये ओम मीटर के का मात्रक आ गया। अब चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर डिपेंड होगी। अब हमने इन तीन अवस्थाओं में लिया प्रतिरोध, 5 कारकों पर निर्भर करता है, ताप, दाब, जिसका खासतर अध्ययन नहीं करते, हमने दाब को नगण्य मान सकते हैं, नहीं प्रभाव करता इतना, अधिक प्रभाव नहीं करता जितना अन्य का, एक प्रकृति और चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये 4 कारक। और इनमें हमने 2 कारकों को इसमें क्या समाप्त कर रखा है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का, बाकी 2 कारक स्थिर ले रखे हैं। वो स्थिर कारक किस में चले जाएंगे, स्थिरांक में चले जाएंगे, किस में, के में चले जाएंगे, के इन कारकों पर डिपेंड करता है, तभी तो इसने स्थिर लिया है। अर्थात इस पर इनडायरेक्टली रूप से प्रतिरोध पर भी ये निर्भर करते हैं। तो के है वह पदार्थ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की लंबाई जो चालक पदार्थ है उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह केवल पदार्थ की प्रकृति हो गई और ताप, ताप पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। जिस प्रकार पदार्थ है जो हमारा पदार्थ मतलब प्रतिरोध है, जिस प्रकार पदार्थ ताप पर निर्भर करेगा और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, सेम टू सेम जो प्रतिरोधकता है वो निर्भर करेगी। जिस पदार्थ के लिए प्रतिरोध अधिक होगा, जनरल सी बात है उसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होनी चाहिए। ये है बात, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, समानुपाती होंगे, के समानुपाती यार, तो ये चीज हो गई। क्योंकि प्रतिरोधकता अलग है तो कह सकते हैं कि ताप पर प्रतिरोधकता डिपेंड करती है, जिसके कारण क्या है, प्रतिरोध चेंज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कारकों का अध्ययन करेंगे जो प्रतिरोध पर प्रभाव डालते हैं। जो 2 कारक रह गए हमारे, एक तो पदार्थ की प्रकृति और दो दूसरा कारक जो हम अब लेंगे, पदार्थ की ताप, पदार्थ चालक पदार्थ का ताप। तो पहला जो कारक है कि प्रतिरोध की ताप निर्भरता क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को अध्ययन करना है। तो क्या है, जो अलग अलग चालक पदार्थ है
जो अलग अलग चालक पदार्थ है उनके लिए प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है। कुछ धातुओं के लिए धातु होते हैं चालक, सुचालक धातुओं के लिए तो क्या होता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जबकि कुछ ऐसी धातु मिश्र धातुएं हैं उनके लिए क्या होता है, ताप बढ़ाने से उनके प्रतिरोध पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तीसरी क्या है, सो अर्ध चालक होती है जैसे सिलिकॉन और जो गैलियम जैसी जैसे जर्कोनियम सिलिकॉन जैसी अर्धचालक धातुएं हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि इनका ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। तो कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो जिनका ताप कम करेंगे तो क्या होगा, एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, हैं? तो ये सब अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं पहले धातुओं पर क्या है, धातुएं, कुछ धातुएं, धातुएं जैसे हमारी धातुएं कौन कौन सी हैं वो देखेंगे खास तौर पर, जैसे चांदी, तांबा और सोना, ऐसी धातुएं हैं, सोना हुआ, ऐसी धातुएं हैं इन पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इनका क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जनरली सी बात है, चांदी सुचालक है, तांबा सुचालक है, सोना क्या है, सुचालक है, क्या है, सुचालक, अच्छे चालक है इसके, किसके, विद्युत के। तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इनका प्रतिरोध है R, सामान्यतः कम ताप पर, ताप कोई बढ़ाया नहीं, क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, कम है मतलब पॉइंटों में -6 की घात के रूप में कह सकते हैं, -6 ओम के रूप में लगभग है। तो इनकी जो घात है वो -6 की घात के रूप में है, -8 की घात के रूप में, यानी बहुत ही कम है। तो ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, क्या होता है कि इनमें बहुत अधिक क्या होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन, अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चांदी तांबा सोने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब ताप बढ़ाने पर क्या होता है, पहले ताप नहीं बढ़ाया हमने, ताप बढ़ाया ही नहीं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने आप गमन करने लगेंगे, कुछ आपस में टकराएंगे तो वो क्या है, कुछ प्रतिरोध के रूप में बन जाएगा बाधा। अब ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गति बढ़ने लगेगी, वो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, अनियमित गति करने लगेंगे, वो भी क्या है, तेजी से अनियमित गति करने लगते हैं। तो तेजी से अनियमित गति करेंगे जिससे क्या होगी, ये आपके सिलेबस में नहीं, सिर्फ जानना है कि कभी कभी रहता है सोना चांदी का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो बढ़ता है, अगर ये चीज़ सीधी इनडायरेक्टली रूप से हमें क्या नहीं रहती, याद नहीं रहती कि बढ़ता है घटता है, अगर इसका थोड़ा सा कारण हमें एक बार पता होगा तो बाद में हमें सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है, तो इसका थोड़ा सा कारण है, गड़ेगा बढ़ेगा तो कारण याद आएगा, तो हमें ये जनरल सी बात याद आ जाएगी। तो तेज़ी से क्या करेंगे, गति करेंगे, और जिससे क्या हो जाएगी, आपस में जो टक्करों की संख्या है, टक्करें हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन में के लिए क्या हो जाएगी, जो बाधा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपस में टकराएंगे, लेकिन उन्हें तो क्या है, आगे चलना है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा,
तो इस कारण क्या होता है, चांदी तांबा सोना है, इनका ताप बढ़ाने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे अनिपत गति बढ़ेगी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करेंगे, सो इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा ताप बढ़ाने के साथ। ये चीज़ें। अब दूसरे कुछ ऐसे भी धातु हैं, मिश्र धातुएं हैं, जिनका ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उनका प्रतिरोध नहीं बढ़ता, नहीं घटता। मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं जैसे मैंगनीन आदि का, मैंगनीन का प्रतिरोध ताप परिवर्तित ताप बढ़ाने हो बढ़ाओ चाहे घटाओ, लेकिन क्या नहीं पड़ेगा इन पर, ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप परिवर्तन का प्रतिरोध मैग्नीन का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ क्या होता है, बहुत ही कम। क्या करेगा बदलेगा, परिवर्तित होगा, कम परिवर्तित होता है। क्या होता है, कम परिवर्तित होता है, होता। मिश्र धातुएं जैसे मैंगनीन का प्रतिरोध है वो ताप के साथ क्या होता है, बहुत ही कम डिपेंड करता है। उन ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में जो बदलाव होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा, इतना कम होगा ये पता ही नहीं चलेगा कि बड़ा है घटा है, तो नहीं, बहुत ही कम इफेक्टिव है। ताप परिवर्तन से इनके जो प्रतिरोध में बहुत ही कम परिवर्तन होगा मिश्र धातुओं पर। अब बात आती है हमारी कुछ ऐसी अर्धचालक धातुओं पर, अर्धचालकों पर बात करते हैं हम, अर्धचालकों जैसे सिलिकन, क्या है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इनका जो प्रतिरोध है वो किस प्रकार डिपेंड करता है, जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा, घटने लगेगा। क्या प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इनका जो प्रतिरोध है ताप के साथ घटता है। घटने का मतलब है कि इनमें जो बाधा है वो क्या होती, कम होती है, यही कहना चाहता, बल्कि बाधा कम नहीं होती। क्या होता है, अर्धचालक है, आधे चालक है, यानी इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी क्या होगी, कम हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अब मान लीजिए हमने क्या दिया, इनको गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ताप बढ़ाया, तो क्या हो गया, इस जो चालक पदार्थ थी क्या होगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ने लगती है, ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अब क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो सो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पहले जितनी बाधा थी उससे अधिक कुछ इलेक्ट्रॉन आगे, अधिक इलेक्ट्रॉन जाना लगेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, जो धारा है वो बढ़ेगी, सो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, सो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात आती है कुछ ऐसे पदार्थों की जिनका क्या होता है, ताप पर कुछ निर्भरता इस प्रकार होती है, कुछ
धातुएं, कुछ धातुओं में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर में को कम करते हैं, कुछ धातुओं को ताप कम करने पर, ताप कम करने पर, ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हो जाएगा या हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं, हो जाता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, अतिचालक पदार्थ कहेंगे, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। कैसे ऐसे पदार्थ होते हैं, अतिचालक पदार्थ होते हैं, जैसे एमजी मरकरी, यानी जिसे कहते हैं पारा, क्या होता है, तापमान टी 4.2 केल्विन ताप पर इसका जो प्रतिरोध है आर, वो क्या हो जाए, 0 ओम हो जाएगा। कुछ धातुओं क्या होते हैं, कुछ धातुओं में या कुछ धातुओं में क्या होता है, में कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन पर शून्य हो जाता है। ये तो हमने टेम्परेचर पर देखा, सोना चांदी आदि धातुओं का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, और मिश्र धातुएं मैंगनीन का ताप पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध पर के प्रतिरोध पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है ताप के साथ, तथा जो हमारे सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे अर्धचालक धातुएं हैं उनका प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने से क्या होता है, घटने लगता है। जबकि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें ताप कम करने पर क्या होता है, उनका प्रतिरोध घटने लगता है, और एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऐसी धातुएं जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पारा एचजी 4.2 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ये है टेम्परेचर की व्याख्या। अब है हम करेंगे कि प्रतिरोध पर पदार्थ की प्रकृति का प्रभाव, क्या करेंगे, पदार्थ की प्रकृति का प्रभाव। प्रतिरोध पर पदार्थ की प्रकृति का प्रभाव, प्रतिरोधकता का भी हम कहेंगे ताप पर किस प्रकार निर्भर करते, जिस प्रकार प्रतिरोध करता है सेम टू सेम। तो पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हम चार अलग अलग धातुओं के चालक पदार्थ लेते हैं, चार अलग अलग धातुएं होती है, अलग अलग चालक तार लेते हैं। जैसे पहला ले लिया हमने ए नंबर चांदी का, बी नंबर सोने का, सी नंबर ओ तांबे का, तांबा का, और डी नंबर एल्यूमिनियम का। एल्युमिनियम का तो ये सब हमने ले लिए, चार अलग अलग पदार्थ लेते हैं। अब हमने पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन करना है, तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या होगी, सामान लेनी होगी। ये चार पदार्थ लिए, इनका जो इनकी लंबाई क्या है, एक समान है,
दूसरी चीज जो इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी वो भी हमें क्या लेना पड़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी क्या लेना पड़ेगा, एक समान। ये चीज ले ली। साथ जो टेम्परेचर है ताप एक ही कमरे में वो भी क्या है, एक समान है। तो कोई भी चीज हमने चेंज नहीं की, बस चेंज किया है अलग अलग प्रकृति के धातु ले ली। और अब ये धातु ले ली, अब इनका क्या करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध। इनका क्या करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध ज्ञात किया, नोट किया, अब देखा कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो किसका ज्यादा हुआ, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा प्रतिरोध। और सबसे कम प्रतिरोध किसका प्राप्त हुआ, वो चांदी का। किसका, चांदी का सबसे कम प्रतिरोध। अलग अलग धातु ली, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम का। और सबसे कम प्रतिरोध हुआ वो है हमारे तांबा का। अब हम प्रतिरोध की दृष्टि से हम लिखेंगे, प्रतिरोध की दृष्टि से उपयुक्त चारों धातु का प्रतिरोध का क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रतिरोध का क्रम। तो प्रतिरोध का क्रम लिखेंगे, किसका अधिक प्रतिरोध, आर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक। फिर दो नंबर पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम के बाद जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो है हमारा सोना। दो नंबर पर क्या आएगा, सोना। सोने का प्रतिरोध अधिक है, एल्यूमिनियम से कम है लेकिन तांबे से अधिक है। तो फिर तांबे वाला, और अंत में आएगा चांदी। अब इससे एल्यूमिनियम प्रतिरोध अधिक कम इस प्रकार, ये क्या है, क्रम, प्रतिरोध का क्रम। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, जिसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा चालक चांदी होगा। और चांदी से कम अच्छा चालक तांबा होगा, तांबे से भी कम अच्छा चालक सोना होगा, सोने से भी कम अच्छा चालक जो एल्यूमिनियम होगा। अब है इनकी चालकता, जो चालकता की दृष्टि से लिखते हैं, चालकता की दृष्टि से इनका, क्योंकि चालकता किसकी विपरीत है, प्रतिरोध की है। जिस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। तो उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, चांदी की चालकता अधिक, तांबे की चांदी से कम, सोने की तांबे से ही कम, और एल्यूमिनियम की इन सब से कम। जिसकी चालकता सबसे ज्यादा वो उत्तम चालक, सबसे अच्छा चालक चांदी है, ये सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी। चांदी से कम अच्छा चालक तांबा, तांबे से कम अच्छा चालक सोना, सोने से भी एल्यूमिनियम। ये हमने अब क्रम देखा, किस प्रकार चार अलग अलग धातु ली, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई और ताप एक समान लिया, तो हमें प्राप्त हुआ कि जो प्रतिरोध का क्रम है, एल्यूमिनियम का अधिक, सोने का उससे कम, तांबे का उससे भी कम, और चांदी का कम उत्तम। तो हमने इस भाग में देखा कि प्रतिरोध का ताप पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता का भी ताप पर प्रभाव पड़ता है, दोनों का सेम है, क्या है, सेम प्रभाव। प्रकृति जो प्रतिरोध की है डिपेंड करती है, प्रकृति पदार्थ की प्रकृति पर, वह सेम चीज़ ही हम डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता भी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर एक ही समान, एक ही पदार्थ है तो उनके लिए प्रतिरोधकता समान होगी, लेकिन प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रतिरोधकता लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ताप पर निर्भर करेगी, और किस पर निर्भर करेगी, प्रकृति पर। ये चीज़ सेम है तो उसके लिए सेम है, हैं। तो इस भाग में हमने आज के लिए इतना ही, और आगे अगला टॉपिक लाएंगे प्रतिरोध का संयोजन।
तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वैसे ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब